एक्शन। भिन्न भाषा भिन्न वेश, भारत अपना एक देश। कश्मीर हो या कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी। और गुजरात हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, ये भारत का उद्देश्य है। और दर्शन क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्य भवे। जग में सुंदर सभी हूं, सबको अच्छा स्वास्थ्य मिले, जीवन में सुख पावे प्राणी, नहीं किसी को दुख मिले। जय जगत, विश्व का कल्याण, यह समरस भारत की परिकल्पना है। भारत का वैदिक ज्ञान है, सब समान एक समान और सबका कल्याण, हर जगह राम राज्य की संकल्पना संस्थापना, यह भारत का वैदिक न्याय है, वैदिक संकल्पना है। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? आखिर क्यों सोशल जस्टिस की आवश्यकता पड़ गई? ऐसे दिन सेलिब्रेट करने की आवश्यकता पड़ गई? ऐसा क्या हुआ कि सामाजिक न्याय के ऊपर विमर्श करने की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ गई, समरस समाज के ऊपर बात करने की आवश्यकता पड़ गई? जिस देश में हर कालखंड में समरस समाज विद्यमान है, जिस देश में समानता बीज रूप में विद्यमान है, वहां पर सामाजिक न्याय पर विमर्श करना, उस दिन को मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? यह उस षड्यंत्र, उस मिलावट सोच का उदाहरण है जो इस किताब में मैं आपको बताने जा रहा हूं। उपदेवता के तौर पर भारत के वैदिक इतिहास में किन्नरों का अहम स्थान रहा है। त्रिकाल दर्शन के तौर पर और चारों युगों में, चाहे आप सतयुग की बात करें, त्रेता युग की बात करें, द्वापर की बात करें या कलयुग की बात करें, हर युग में किन्नरों को उपदेवता के तौर पर स्थान प्राप्त है। लेकिन ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि ये लोग परिचय के मोहताज हो गए, पहचान के मोहताज हो गए? इसलिए ये किताब द इंडियन मीडिया एंड हिजराज द पैराडॉक्स ऑफ आइडेंटिटी पर हमने शोध किया और इस किताब को आपके सम्मुख लेकर आ रहे हैं। आज सोशल जस्टिस के इस दिन पर इन पर विमर्श करने की आवश्यकता है। एक दृष्टिकोण, सार्वभौमिक दृष्टिकोण प्रतिस्थापित किए जाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जिस देश का संविधान इस बात को कहता है कि किसी लिंग भेद के आधार पर कोई भेद ना हो, आज वो भेद क्यों? जिस देश में किन्नर उपदेवता के तौर पर प्रतिस्थापित है, आखिर कैसे मिलावट होती है? ये अलग अलग कालखंड में अलग अलग तरीके से हुआ है। किन्नर आज भी उपदेवता है, लेकिन मुगल काल में जो आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया, उसमें हरम का प्रबंधन नए शब्द के साथ में हिजड़ा के नाम पर उनको दे दिया गया। ब्रिटिश काल में यही नाम ट्रांसजेंडर के तौर पर स्थापित हुआ और विदेशी सोच को भारत पर केंद्रित करने के लिए हर तरह का षड्यंत्र किया जाने लगा। उन तमाम षड्यंत्रों का, उन तमाम विचारों का, उन तमाम सोच का रहस्य उद्घाटन ये किताब करती है। इसलिए इस किताब का नाम इंडियन मीडिया एंड हिजराज द पैराडॉक्स ऑफ आइडेंटिटी रखा गया है, ताकि सोशल जस्टिस भारत के तत्व में जो समाहित है वो स्थापित हो सके। आज के इस दिन पर इन पर विमर्श किए जाने की आवश्यकता है। आज के इस दिन पर एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। इस दिन पर हम सबको समरस भारत बनाने की आवश्यकता है, समान भारत बनाने की आवश्यकता है, ताकि सबका कल्याण निहित हो सके, जो भारतीय वैदिक संस्कृति की संकल्पना है। इसी विश्वास के साथ में मैं आपसे पुनः कहना चाहूंगा कि यह किताब सुभारती विश्वविद्यालय का एक प्रमुख उद्देश्य है, ताकि समरस समाज की स्थापना हो सके। शोध के बाद में किताब आपके सम्मुख है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। आज के इस दिन पर यह संकल्प जरूर लीजिएगा कि हमारा दृष्टिकोण बदले, सोशल जस्टिस के प्रति, सामाजिक न्याय के प्रति, समग्र भारत के प्रति, अखंड भारत के प्रति। जय हिंद, जय भारती, जय सुभारती।